Hey, yeah, beautiful people, welcome or welcome back to my channel. This is going to be a 8 a.m. to 8 p.m. study vlog. Let's go. Good morning. So मैं at about 7:50 को उठी, look at this beautiful sunrise. उसके बाद 8:30 तक मैं freshen up हुई, breakfast किया and उसके बाद I came on my desk and started to watch the 6th lecture of principle of inheritance and variation. 6th lecture का half part मैंने कल ही देख लिया था, तो वो lecture सिर्फ आधा ही देखना था मेरा, तो वो काफी जल्दी हो गया था मेरा. सुबह सनलाइट आ रही थी, पर ये अच्छी बात है कि सिर्फ टेबल पे आ रही थी, मेरे हाथ पे नहीं आ रही थी, वरना मेरे हैंड सच में जल जाते. द समर्स आर फाइनली हियर. आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? माइन आर विंटर्स. एनीवे, सो बाय द टाइम ऑफ 9:10 AM आई गॉट डन विथ 6th लेक्चर. आधा ही बाकी था तो वो जल्दी हो गया, हाफ एन आवर में ही. एंड देन आई स्टार्टेड विद द 7th लेक्चर ऑफ द चैप्टर. I still cannot believe कि अभी 2 months ही बाकी है नीट को. मैं सच में अपने इनिशियल डेज याद कर रही थी कि मैंने कब स्टार्ट किया था नीट का प्रिपरेशन, एंड आई फील है कभी अभी किया था. द टाइम इज फ्लाइंग एज हेल एंड आई डोंट वॉन्ट इट यार. ये दिन जा कहाँ रहे हैं? आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट. कैन यू बिलीव आई नो द एग्जैक्ट डेट कि मैंने कब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. इट वॉज 22nd of April 2020. लेक्चर नंबर 7 इज डन. एंड देन आई स्टार्टेड अप विद द 8th लेक्चर ऑफ द चैप्टर. एंड अभी तक तो काफ़ी लेक्चर स्मूथ जा रहे थे, सब समझ में भी आ रहा था. एंड स्पेशली दिस पीरियड ऑफ द डे, दिस टाइम इज क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर मी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये टाइम. सो आई एम मोर फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस. एंड मीनवाइल माय मॉम केम इन एंड गेव मी दीज आमलास. उसके बाद बाय द टाइम ऑफ 11:30 आई गॉट डन विद द 8th लेक्चर. उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे कुछ काम दे दिया था, तो आई डिड दैट. एंड उसके बाद आई हैड माय लंच एंड बाय द टाइम ऑफ 1:04 PM आई केम बैक टू माय सीट. और अभी मेरा लेक्चर्स पेंडिंग थे, मुझे और जो देखने थे इसी चैप्टर के, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कल रात से आई वॉज वॉचिंग लेक्चर्स और लेक्चर्स ही देख रही थी, तो आई वॉज टायर्ड वॉचिंग लेक्चर्स. अभी इसलिए नो मोर लेक्चर्स एज ऑफ नाउ. तो मैं फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन करने बैठ गई. AITS है इस संडे को, सो वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अप फॉर दैट. सो या मैनेजिंग लेक्चर्स विद AITS प्रिपरेशन. क्या आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? NTA ने नीट 2023 की डेट अनाउंस कर दी है. 7 May को ये एग्जाम होने वाला है. नाउ देयर इज एन एक्साइटिंग न्यूज. PW is going to celebrate world's biggest education festival on 28th of Feb called Vishwas Divas with mega surprises, mega launches and mega announcements. Stay tuned. Also, अगर आपके backlogs हैं, फिर भी आपको stress लेने की ज़रूरत नहीं है, because I have something for you. PW लेकर आया है आपके लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0. बैच में क्लासेस 1 Feb से स्टार्ट हो चुकी है और नीट 2023 एग्जाम तक आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगी. क्लास हर वीक 6 दिन होंगी, मंडे टू सैटरडे. इस बैच में आपको लिमिटेड टाइम में नीट का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी एक्सपर्ट टीचर्स के साथ. डेली लेक्चर के PDF नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर सॉल्यूशंस आपको हर लेक्चर के बाद मिलेंगे. आपको मिलेंगे यहाँ डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर सॉल्विंग डाउट्स थ्रू बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन. मतलब आप लाइव क्लास में ही अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. इस बैच की प्राइस वैसे तो 1299 है, बट आप कूपन कोड यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं. तो आप भी अभी नीट अल्टीमेट बैच में एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. सो बाय द टाइम ऑफ
2:50 PM आई गॉट डन विथ फिजिक्स का ग्रेविटी। मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक ही पूरा चैप्टर नहीं किया था, मैंने वहीं तक किया था। उसके बाद 10 मिनट्स का आई टुक ब्रेक, जिसमें मैंने यूट्यूब के कॉमेंट्स के रिप्लाई किए। थैंक यू टू एवरी वन हु अप्रिशिएट्स माई वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट माई वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं एंड यू गाइज आर लविंग इट, मीन्स अ लॉट। उसके बाद सर ने जितना मैंने अभी तक लेक्चर्स देखे थे उतना मैंने एनसीईआरटी चैप्टर रीडिंग की ऑफ जेनेटिक्स का चैप्टर 1। सर ने जिस लेवल का एक्सप्लेनेशन दिया था और जैसे क्वेश्चंस करवाए थे लेक्चर्स को देखने के बाद, दी एनसीईआरटी इज़ नथिंग। आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इजी लगेगी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इजी लगी और अच्छा लगा पढ़ के कि यार समझ में आ रही है चीज़ें। तो मैंने आधा चैप्टर पढ़ा बाय द टाइम ऑफ 3:30 PM। उसके बाद मैंने बोला था कि मेरे को और दो लेक्चर्स कम्प्लीट करने हैं, मुझे 5 लेक्चर्स कम्प्लीट करने थे आज के दिन में, तो 3 आई हैव ऑलरेडी डन। तो उसके बाद मैंने 9th लेक्चर को देखना स्टार्ट किया। तो मैंने लेक्चर्स देखना स्टार्ट तो कर दिया बट मिडवे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लेक्चर को देखने में, और ऐसे फिर नींद में लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। तो मैंने लेक्चर को मिडवे छोड़ा एंड बाय द टाइम और 4:15 जितना हो सकता था मैंने किया एंड उसके बाद आई टुक अ नैप। तो मैंने 1 आवर का अप्रॉक्स नैप लिया, फिर 15 मिनट्स मैंने स्नैक्स, मैंने अपनी पेट पूजा की बिकॉज बिना खाना खाए तो दिमाग में कुछ जाता नहीं है मेरे। तो बाय द टाइम ऑफ 5:30 आई केम बैक ऑन माई सीट एंड उसके बाद जो पहले हाफ रिमेनिंग लेक्चर था वो मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज 10th लेक्चर। आज के दिन का ये लास्ट लेक्चर है। सो या जो मैंने सोचा था कि आज मुझे 5 लेक्चर्स देखने हैं, दैट आई डिड एंड या इट फील्स गुड। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम टॉपिक्स थे, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल थ्योरी, तो मुझे काफ़ी पेशेंटली देखना पड़ा आराम से रुक के। सो इट ऑल्सो टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड देन राइट एंड देन सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया था। बट मैं डोपा मैंने आज भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाद में करूँगी, अभी मैं सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रही थी और सर जो मिडवे क्वेश्चंस करवा रहे थे दैट आई वाज डूइंग। सो बाय द टाइम ऑफ 7:10 PM आई गॉट डन विथ ऑल द 5 लेक्चर्स जो मुझे आज करने थे। सो एज आई सेड अर्लियर कि मैं IITS की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, सो बॉटनी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आने वाला है, सो करंटली आई एम रीडिंग द NCERT ऑफ दैट चैप्टर। थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियो एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शंस डाउन बिलो कि वॉट यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी, माई चैनल, माई वीडियोज, वॉट डू यू वॉन्ट टू सी एंड या दैट्स ऑल। And of course, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है and you want to see more of these videos and my Nautanki, so you can subscribe to my channel because it's completely free for you but it's worthy for me. So चलो अभी जाके सब लोग साथ में सब्सक्राइब करते हैं। ओके डन डील। सो बाय द टाइम ऑफ अप्रॉक्स 7:55 PM I got done with the NCERT reading of this chapter and उसके बाद I ate my dinner and yeah that's it for the video guys, see you in the next video, bye bye.